हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यूके ट्रिपल एसएससी द्वारा जो है जो 23 पदों पर जो भर्ती होनी थी उन्हें निरस्त कर दिया गया है। अब इनकी जो परीक्षा होगी वो किसके द्वारा कराई जाएगी? लोक सेवा आयोग यानी कि यूके पीएससी द्वारा जो ये कराई जाएगी। तो यूके पीएससी ने जो कैलेंडर जारी कर दिया है यानी कि जो आपके जो एग्जाम होंगे वो कब होंगे दोस्तों? दिसंबर से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च तक जो है आपके सभी एग्जाम कंप्लीट होने हैं। तो अभी भी कितना समय है दोस्तों हमारे पास? यानी कि 4 महीने का अभी भी समय है। तो आइए दोस्तों, अब क्या करते हैं हम जो है उत्तराखंड को शुरुआत से लेकर एकदम 0 पॉइंट से लेकर अच्छे से कवर करते हुए चलते हैं, क्योंकि यूकेएसएससी उतना डीप प्रश्न भी नहीं पूछता है। वो सिर्फ क्वेश्चन जो पूछता है वो घुमा फिरा कर पूछता है, यानी कि वो हमारी मानसिकता चेक करता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला जो टॉपिक रहने वाला है उत्तराखंड की भौतिक संरचना के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर उत्तराखंड की भौतिक संरचना, तो उत्तराखंड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका गठन कब हुआ था? इसके गठन की बात करें तो 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 9 नवंबर सन 2000 को जो है इसका गठन हुआ था। कौन से क्रम का राज्य बना दोस्तों? यह जो हमारा अगर बात करें दोस्तों, कौन से क्रम का राज्य बना? क्रम की बात करें तो ये हमारा भारत का 27वां राज्य बना था। कौन सा बना था? 27वां राज्य। अगर हम हिमालय राज्यों की बात करें दोस्तों, तो हिमालय राज्यों के क्रम में इसका कौन सा स्थान है? हिमालय राज्य के क्रम में जो है इसका स्थान 11वां हमारा ये हिमालय राज्य बना था। तो ये है दोस्तों हमारा उत्तराखंड है। इसमें 13 डिस्ट्रिक्ट हैं और 2 मंडल है। पहला मंडल है दोस्तों गढ़वाल मंडल है, दूसरा मंडल कुमाऊं मंडल है। गढ़वाल मंडल के अंदर अंतर्गत कितने जिले हैं दोस्तों? कितने जनपद है? इसके अंतर्गत जो है 7 जनपद है। वहीं अगर हम कुमाऊं मंडल की बात करें दोस्तों, तो इसके अंतर्गत कितने जनपद है? इसके अंतर्गत जो है 6 जनपद है। तो टोटल कितने जनपद है दोस्तों? 13 जनपद है। तो आइए दोस्तों अब उत्तराखंड की जो है आकार एवं स्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो ये आपको उत्तराखंड का मैप दिखाई दे रहा होगा, ब्लैंक मैप है, मतलब आउटलाइन दिखाई दे रही है उत्तराखंड की। अगर हम बात करें दोस्तों इसकी लंबाई और चौड़ाई की, अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं। तो लंबाई कहाँ से मापी जाती है? लंबाई हो चौड़ाई हो कहाँ से मापी जाती है दोस्तों? अंतिम छोर से, यानी कि जो उसका अंतिम छोर होता है दोनों साइड का, वहां से जो है लंबाई और चौड़ाई मापी जाती है। तो अगर हम उत्तराखंड की लंबाई की बात करें दोस्तों, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है? कितनी है दोस्तों लंबाई की बात करें तो 358 किलोमीटर है। कितनी है? 358 किलोमीटर है। वहीं अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें दोस्तों, चौड़ाई कहाँ से? ये उत्तरकाशी से लेकर यहाँ तक, कहाँ तक? उधम सिंह नगर का ये अंतिम छोर, यहाँ तक इसकी चौड़ाई की बात करें दोस्तों, तो कितनी है? 320 किलोमीटर है। ये इसकी लंबाई है दोस्तों, और इसकी क्या है दोस्तों? ये इसकी चौड़ाई है, यानी कि ये लंबाई हो गए और ये चौड़ाई इसकी है। तब अगर इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करें दोस्तों, अगर हम इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करें, तो ये कहाँ पर है, कितने कौन कितने अक्षांश में है तथा कौन कौन सी देशांतरीय स्थिति में है? तो देशांतरीय और अक्षांशीय स्थिति कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों? तो जो उत्तराखंड है हमारा उत्तरी अक्षांश में स्थित है, यानी कि अगर हम बात करें वर्ल्ड मैप की, तो भारत कहाँ पर है दोस्तों? जो भूमध्य रेखा है, भारत ये हमारी अर्थ है, तो यहाँ पर आपको जो है इस प्रकार से भूमध्य रेखा दिखाई देगी। तो अगर हम भारत की स्थिति की बात करें दोस्तों, तो ये कहाँ पर है? भारत हमारा कुछ इस प्रकार से भूमध्य रेखा के यहाँ पर है, यानी कि भूमध्य रेखा से ऊपर है। कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। तो वहीं अगर हम उत्तराखंड की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा, ये जो है ये हमारी पृथ्वी है, तो यहाँ पर कौन सा होगा? उत्तरी अक्षांश, तो यहाँ पर होगा दक्षिणी अक्षांश। तो अगर हम उत्तराखंड की बात करें, भारत की बात करें, तो किस में है? उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो उत्तराखंड भी हमारा किस में दोस्तों? उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो उत्तरी अक्षांश में अगर हम इसकी अक्षांशीय स्थिति के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो कौन से अक्षांश में है वो? अक्षांशीय स्थिति देखें इसकी दोस्तों, तो ये है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों उत्तरी अक्षांश के बारे में। उत्तरी अक्षांश कहाँ से, यानी कि सबसे दक्षिणतम बिंदु से लेकर उत्तर बिंदु तक कितना है दोस्तों? ये है यहाँ पर दक्षिणतम बिंदु से लेकर जो है उत्तरी बिंदु तक जो है इसका विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार कितना है? उत्तरी अक्षांशीय विस्तार यहाँ से यहाँ तक कितना है दोस्तों? यानी कि 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट तक जो है इसका उत्तरी अक्षांशीय विस्तार यह उत्तरी अक्षांश में स्थित है। वही अगर हम इसके देशांतरीय विस्तार की बात करें दोस्तों, तो देशांतरीय विस्तार कहां से? यहां से लेकर, यहां से लेकर यहां तक, तो कितना है? यानी कि पश्चिम बिंदु से यानी कि पूर्व बिंदु से पश्चिम बिंदु की ओर, तो यह है दोस्तों हमारा 77 डिग्री 34 मिनट से यहां तक कितना है? 81 डिग्री 2 मिनट तक जो है ये हमारा क्या है दोस्तों? इसका जो है इसका जो है देशांतरीय विस्तार है। यानी कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं दोस्तों कि
कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इसका जो अक्षांश विस्तार है यानी कि उत्तरी अक्षांश में कितना है दोस्तों, 2 डिग्री कितना है कुल जो इसका, 2 डिग्री 44 मिनट से। और देशांतरी विस्तार की बात करें दोस्तों तो कितना है, 3 डिग्री 28 मिनट, यानी कि कितना है, 3 डिग्री 28 मिनट जो है इसका देशांतरी विस्तार है। तो कितना है दोस्तों अक्षांशीय विस्तार, 2 डिग्री 44 मिनट, और देशांतरी विस्तार कितना है, देशांतरी विस्तार 3 डिग्री 28 मिनट जो है इसका देशांतरी विस्तार है। तो आइए दोस्तों अब जो है इसके हम क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है। कितना तो अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल की अगर हम बात करें कितना है, 53,483 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों, 53,483 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 1.69%। कितना है दोस्तों, 1.69% जो है भारत के क्षेत्रफल का है। तो वहीं पर हम दोस्तों अगर इसके आकार की बात करें तो इसका आकार कैसा है, आकार की अगर हम बात करें तो इसका आकार कैसा है, एक बार देख लेते हैं इसका आकार के बारे में। तो यहाँ से लेकर ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों, तो ये किस प्रकार है इसका जो आकार की बात करें दोस्तों, तो ये कैसा है, आयताकार। तो कैसा है उत्तराखंड का आकार, आयताकार जो है इसका आकार है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से यह भारत का कौन से क्रम का राज्य है दोस्तों, यह जो है 19वें क्रम का राज्य था, राज्य है, यानी कि पहले अगर बात करें तो जब ये बना था उस टाइम जो है 18वें क्रम का राज्य था, लेकिन जब तेलंगाना बना उसके बाद जो है कौन से क्रम का है दोस्तों, 19वें क्रम का जो ये राज्य बना है। तो आइए दोस्तों इसकी जो है आंतरिक संरचना के बारे में चर्चा कर लेते हैं, या इसकी सीमाएं तथा आंतरिक संरचना के बारे में हम पूर्ण रूप से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो इसकी जो है जो बाह्य रेखा है दोस्तों, जो अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय संरचना की बात करें तो किसके साथ लगती है दोस्तों, यह जो है 2 देशों के साथ लगता है। कौन कौन से देश, पहला तो हो गया दोस्तों आपका चीन और दूसरा हो गया दोस्तों आपका नेपाल। वहीं अगर हम बात करें तो चीन के साथ और नेपाल के साथ जो है इसकी कितनी सीमा लगती है, तो अगर हम चीन के साथ इसकी सीमा की बात करें दोस्तों तो कितनी लगती है, 350 किलोमीटर। चीन के साथ कितनी लगती है, 350 किलोमीटर किसके साथ लगती है दोस्तों, उत्तराखंड की चीन के साथ लगती है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों तो नेपाल के साथ कितनी लगती है, नेपाल की अगर बात करें तो कितनी लगती है दोस्तों, ये लगती है 275 किलोमीटर। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों तो चीन के साथ जो है उत्तराखंड के कितने जनपद लगते हैं, तो अगर हम बात करें तो चीन के साथ कितने लगते हैं दोस्तों, सबसे पहला तो लगता है चमोली, दूसरा सबसे पहला चमोली लगता है, फिर पिथौरागढ़ लगता है, फिर तीसरे नंबर पे कौन लगता है दोस्तों, उत्तरकाशी लगता है। और वहीं अगर हम बात करें दोस्तों तो नेपाल के साथ कितने जनपद लगते हैं, नेपाल के साथ जो है उत्तराखंड के 3 जनपद लगते हैं। कितने लगते हैं दोस्तों, 3 जनपद। तो सबसे पहला कौन सा है, पिथौरागढ़ है, दूसरा है चंपावत है, और तीसरा कौन सा दोस्तों, उधम सिंह नगर है। तो मेन पॉइंट आपको दोस्तों नोट रखना है कि जो पिथौरागढ़ एक ऐसा जनपद है दोस्तों जिसके साथ जो है 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है 2 देशों के साथ, यानी कि कौन कौन से, चीन तथा नेपाल। तो कौन सा है, पिथौरागढ़, जिसकी सीमा किसके साथ लगती है दोस्तों, 2 देशों के साथ लगती है। कौन कौन से, पहला हो गया नेपाल और दूसरा आपका कौन से हो गया, चीन। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों तो सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है नेपाल के साथ वो किसकी लगती है, वो हमारी लगती है पिथौरागढ़ की। और वहीं अगर हम बात करें दोस्तों तो चीन के साथ सबसे ज्यादा उत्तराखंड की सीमा किसकी लगती है, तो ये भी किसकी लगती है दोस्तों, आप देख रहे होंगे ये भी हमारी किसकी लगती है, पिथौरागढ़ जनपद की लगती है। तो सबसे ज्यादा आपको नोट क्या करना है दोस्तों, सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है, नेपाल की जो सीमा पिथौरागढ़ और किसके साथ लगती है दोस्तों, चीन के साथ जो है पिथौरागढ़ की ही लगती है। तो हम अगर हम बात करते दोस्तों, ये तो हमारी जो है अंतर्राष्ट्रीय थी, अगर हम राष्ट्रीय सीमा की बात करें दोस्तों तो कितने के साथ लगते हैं, उत्तराखंड के राष्ट्रीय की राष्ट्रीय सीमा कितने जनपदों के साथ लगती है, तो कितने लगती है दोस्तों, 2 जनपदों के साथ जो है उत्तराखंड की राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो कौन कौन से जनपद है दोस्तों, आइए हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है उत्तरकाशी, तो सबसे पहला कौन सा है दोस्तों, उत्तरकाशी और देहरादून, इसके साथ किसकी लगती है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की। किसकी लगती है, हिमाचल प्रदेश की किसके साथ लगती है, पहला एक उत्तरकाशी हो गया और दूसरा कौन सा हो गया दोस्तों, हमारा देहरादून। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश, दूसरा हमारा जो राज्य है उत्तर प्रदेश, उसकी जो है उत्तराखंड में कितने जनपदों के साथ सीमा लगती है, तो कितने में लगती है दोस्तों, सबसे पहले आप ये देख रहे हो ये है उत्तराखंड का
देहरादून जनपद। तो यहाँ से जो है ये उत्तर प्रदेश को इस प्रकार सीमा लगती है और यहाँ तक ये सब क्या है, उत्तर प्रदेश। तो कितने जनपदों के साथ लगती है दोस्तों, पहला हो गया देहरादून, दूसरा हो गया हरिद्वार, तीसरा हो गया पौड़ी और चौथा कौन सा हो गया दोस्तों, उधम सिंह नगर, और पाँचों आपको यहाँ दिखाई दे रहा है नैनीताल। तो टोटल कितने जनपदों के साथ लगती है दोस्तों, पाँच जनपदों के साथ लगती है। कितने, पाँच जनपदों के साथ जो है ये सीमा लगती है। तो अब बात करते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश के वह कौन से जिले हैं दोस्तों जो हमारे उत्तराखंड के साथ लगते हैं। वहीं अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों तो इसमें जो है सिरमौर, कितने जनपद है हिमाचल प्रदेश के, तीन जनपदों की सीमा जो हमारे उत्तराखंड के साथ लगती है। कौन कौन से जनपद, सिरमौर, और दूसरा कौन सा हो गया दोस्तों, शिमला, और तीसरा है, तीसरे अगर हम बात करें दोस्तों तो तीसरा हमारा कौन सा है, तीसरा होगा किन्नौर, यानी कि किन्नौर। इनकी जो सीमा लगती है दोस्तों किसके साथ लगती है, उत्तराखंड के साथ लगती है। वहीं अगर हम सिरमौर की बात करें दोस्तों तो इसकी जो सीमा लगती है देहरादून के साथ लगती है, और जबकि शिमला और किन्नौर की सीमा किसके साथ लगती है दोस्तों, ये हमारे उत्तरकाशी जनपद के साथ लगती है। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश के जो है सात जनपद जो है हमारे उत्तराखंड से लगते हैं। तो आइए दोस्तों उन सभी सात जनपद के बारे में एक एक से चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों हरिद्वार से जो है उत्तर प्रदेश के कितने जनपद लगते हैं। अगर हम हरिद्वार की बात करें, तीन जनपद यानी कि सहारनपुर, मुजफ्फरपुर और बिजनौर, इन तीनों की सीमाएं किसके साथ लगती है दोस्तों, हमारे हरिद्वार के साथ लगती है। कौन कौन सी, पहला सहारनपुर, सहारनपुर की सीमा दोस्तों देहरादून के साथ ही लगती है, और दूसरा है मुजफ्फरपुर, और तीसरा कौन सा हो गया दोस्तों, हमारा बिजनौर, जो उत्तर प्रदेश का बिजनौर जो जनपद है वो। इन तीनों की सीमा किसके साथ लगती है, इन तीनों की सीमा जो लगती है हरिद्वार के साथ लगती है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों पौड़ी गढ़वाल के साथ जो है, अगर हम पौड़ी की बात करें दोस्तों तो पौड़ी के साथ जो है उत्तर प्रदेश का मात्र एक जनपद लगता है, कौन सा, बिजनौर। कौन सा लगता है दोस्तों, बिजनौर जनपद की सीमा जो है पौड़ी गढ़वाल, और दूसरा कौन सा है, हमारे नैनीताल जनपद के साथ लगती है। यह उत्तर प्रदेश का जो बिजनौर जो जनपद है उसकी जो सीमा है पौड़ी गढ़वाल तथा नैनीताल के साथ लगती है, यानी कि पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल के साथ उत्तर प्रदेश का मात्र एकमात्र जनपद लगता है। वहीं अगर हम उधम सिंह नगर की बात करें दोस्तों तो कितनी लगती है दोस्तों, हमारे जो है उधम सिंह नगर के साथ चार जनपदों की सीमा लगती है। कौन कौन से, तो सबसे पहला है, दोस्तों कौन सा लगता है, पीलीभीत, दूसरा कौन सा है दोस्तों, दूसरा है रामपुर। वहीं अगर हम तीसरे की बात करें तो दोस्तों तीसरा कौन सा है, बरेली, और चौथा है मुरादाबाद। इन चारों की सीमाएं किसके साथ लगती है दोस्तों, हमारे उधम सिंह नगर जनपद के साथ लगती है। तो टोटल कितने जनपद हुए दोस्तों, सात जनपद। कौन कौन से, पहला तो हुआ पीलीभीत, दूसरा बरेली, तीसरा रामपुर, चौथा मुरादाबाद, और पांचवा दोस्तों सहारनपुर, और छठा बिजनौर, और सातवां कौन सा है, मुजफ्फरपुर, जिनकी सीमा जो है हमारे उत्तराखंड के साथ लगती है, यानी कि ये सब उत्तर प्रदेश के जनपद है। तो आइए अगर हम बात करें दोस्तों अब जो है इसके आंतरिक, यानी कि आंतरिक जो है इसकी संरचना है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों तो उत्तराखंड के कितने आंतरिक ऐसे जिले हैं जिनकी जो सीमा किसी के साथ नहीं लगती है। तो सबसे पहला हमारा है टिहरी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, और दूसरे नंबर पे कौन सा है दोस्तों, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, पहला टिहरी गढ़वाल, दूसरा रुद्रप्रयाग, तीसरा बागेश्वर, और चौथा हमारा कौन सा हो गया दोस्तों, अल्मोड़ा। ये चार जनपद ऐसे हैं जिनकी सीमा जो है किसी के साथ भी नहीं लगती, ना तो राष्ट्रीय और ना ही अंतर्राष्ट्रीय। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों तो ये कौन से दोस्तों, सबसे पहले ये हमारा यहाँ पर रेखा है, जो सबसे पहले जो बात करें तो सब जो दो जनपद है टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग ही हमारे गढ़वाल मंडल के हो गए, और वहीं अगर हम बात करें दोस्तों अल्मोड़ा और बागेश्वर तो ये कहाँ के दोस्तों, हमारे कुमाऊं मंडल के, यानी कि दो कुमाऊं मंडल के और दो गढ़वाल मंडल के जो जनपद है वो हमारे किसी के साथ उनकी सीमाएं नहीं लगती, ना तो राष्ट्रीय और ना ही अंतर्राष्ट्रीय। अब जो है उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में, जो इसकी जो आंतरिक जो सीमा है राज्य सीमा है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, यानी कि जो राज्य सीमा के बारे में हमने चर्चा कर लिया है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में हमने चर्चा कर लिया। अब जो है दोस्तों इसकी जो है जनपदों के साथ जो सीमाएं लगती हैं उनका हम विवरण कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद की, तो पिथौरागढ़ जनपद की कितने के साथ लगती है,
पिथौरागढ़ जनपद की अगर हम सीमाओं की बात करें दोस्तों, तो पिथौरागढ़ की सबसे पहले लगती है पिथौरागढ़, तो सबसे पहले किसके साथ लगती है दोस्तों, चमोली, और दूसरे में किसके साथ लगती है दोस्तों, दूसरे नंबर पे बागेश्वर, और तीस नंबर अगर हम बात करें दोस्तों तो किसके साथ लगती है, अल्मोड़ा, और चौथे चौथा कौन सा दोस्तों, चंपावत। तो हमारा पिथौरागढ़ हो गया दोस्तों, तो पिथौरागढ़ के कितनों के साथ लगती है, हमारे चार जनपदों के साथ, चार जनपदों के साथ सीमा लगती है, कौन कौन से, चमोली, बागेश्वर, चंपावत व अल्मोड़ा के साथ जो है इनके पिथौरागढ़ की सीमा लगती है। अब आते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं बागेश्वर की, दूसरा कौन सा है, बागेश्वर की, तो बागेश्वर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बागेश्वर के किसके साथ लगती है, पहला पिथौरागढ़ के साथ लगती है, पिथौरागढ़, और दूसरा किसके साथ लगती है दोस्तों, यहाँ पर हमारे अल्मोड़ा, और तीसरा किसके साथ लगती है दोस्तों, हमारे चमोली, किसके साथ लगती है, चमोली। यानी कि अगर कुल मिलाकर आप बात करें दोस्तों, तो बागेश्वर की जो है तीन जनपदों के साथ सीमा लगती है, कौन कौन से, पहला पिथौरागढ़ हो गया, दूसरा अल्मोड़ा हो गया, और तीसरा हमारा कौन सा हो गया दोस्तों, चमोली हो गया। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों, तो अब चंपावत की बात करते हैं दोस्तों, तो चंपावत की बात करें दोस्तों, तो इसकी जो सीमा लगती है कितने जनपदों के साथ लगती है, चंपावत की सीमा, चंपावत की सीमा की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले लगती है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के साथ लगती है, और दूसरे नंबर पे पिथौरागढ़ के साथ भी लगती है, और किसके साथ लगती है दोस्तों, नैनीताल के साथ भी लगती है, और चौथा कौन सा है, चौथा हमारा है उधम सिंह नगर, यानी कि उधम सिंह नगर के साथ भी लगती है। तो चंपावत की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसकी जो सीमा है कितने जनपदों के साथ लगती है, इसकी सीमाएं चार जनपदों के साथ लगती है। वो अगर मैं अगर बात करें दोस्तों, इसके बाद अल्मोड़ा की बात करते हैं, तो अल्मोड़ा की बात करते हैं दोस्तों, तो अल्मोड़ा के साथ जो है कितने जनपदों की सीमा लगती है, तो सबसे पहले जो लगेगी कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ की, किसकी लगेगी दोस्तों, पिथौरागढ़, और दूसरे नंबर पे बागेश्वर, और तीसरा कौन सा दोस्तों, तीसरा किसके साथ लगेगी, अल्मोड़ा की, चंपावत, और चौथा नंबर पे कौन सा दोस्तों, नैनीताल। यानी कि जो अल्मोड़ा की जो सीमा है दोस्तों, वो जो है, जो हमारा कुमाऊं मंडल है उसके चार जनपदों के साथ लगती है, एकमात्र जनपद उधम सिंह के नगर के साथ जो है अल्मोड़ा की सीमाएं नहीं लगती है। अगर हम गढ़वाल मंडल की बात करें दोस्तों, तो अल्मोड़ा की सीमाएं लगती है, पांचवा नंबर कौन सा हमारा जनपद है, चमोली जनपद, और छठे नंबर पर कौन सा है दोस्तों, हमारा पौड़ी गढ़वाल। तो कितने जनपदों के साथ लगती है दोस्तों, अल्मोड़ा की सीमा की बात करें तो ये हमारे छह जनपदों के साथ लगती है, कौन कौन से, पिथौरागढ़ हो गया, बागेश्वर हो गया दोस्तों, और चंपावत हो गया, नैनीताल हो गया, पौड़ी गढ़वाल और चमोली, इन सभी के साथ जो है अल्मोड़ा जनपद की सीमाएं लगती हैं। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों नैनीताल जनपद, तो सबसे ज्यादा सीमाएं किसकी लगती है दोस्तों, सबसे ज्यादा जो सीमाएं लगती है कुमाऊं मंडल में किसकी लगती है, अल्मोड़ा जनपद की लगती है। तो सबसे ज्यादा सीमाएं लगती हैं, सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है दोस्तों, ये लगती है अल्मोड़ा की, कितने जनपदों के साथ लगती है, छह जनपदों के साथ लगती है। तो वहीं अगर हम बात करें दोस्तों, तो नैनीताल की बात करें, तो देखते हैं नैनीताल जनपद की किस किस किसके साथ लगती है, तो नैनीताल जनपद की लगती है दोस्तों, पहला तो है अल्मोड़ा, अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें दोस्तों, तो दूसरा है चंपावत, और तीसरा है दोस्तों उधम सिंह नगर, और एकमात्र जिला जो है चौथा हमारा पौड़ी गढ़वाल, जिसकी सीमा जो किसके साथ लगती है दोस्तों, चंपावत, जिसकी जो है नैनीताल के साथ लगती है। यानी कि नैनीताल जनपद की सीमा भी कितने के साथ लगती है दोस्तों, चार जनपदों के साथ लगती है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों उधम सिंह नगर की, तो उधम सिंह नगर की सीमा कितने जनपदों के साथ लगती है, मात्र दो जनपदों के साथ लगती है, कौन कौन सी, पहला नैनीताल और दूसरा कौन सा हो गया दोस्तों, ये हमारा चंपावत। तो उधम सिंह नगर की बात करें तो कितने जनपदों के साथ इसकी सीमा लगती है दोस्तों, दो जनपदों के साथ जो है इसकी सीमा लगती है। ये तो थे दोस्तों हमारे जो कुमाऊं मंडल के। तो गढ़वाल मंडल की बात करें दोस्तों, तो गढ़वाल मंडल में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चमोली की। तो अगर हम चमोली की बात करें तो इसकी सीमा कितने जनपदों के साथ लगती है दोस्तों, सबसे पहला लगता है पिथौरागढ़, तो बागेश्वर, अगर हम कुमाऊं मंडल की बात करें तो किसके साथ लगती है, पिथौरागढ़, दूसरे नंबर पे पहला कौन सा है दोस्तों, पिथौरागढ़, दूसरे नंबर पे बागेश्वर, तीसरे नंबर पे कौन सा है दोस्तों हमारा, अल्मोड़ा, और चौथे नंबर की बात करें तो कौन सा है, ये तो दोस्तों जो चमोली जनपद के साथ जो है
कुमाऊं मंडल के कितने जनपदों की सीमा लगती है? 3 जनपदों की सीमा लगती है। कौन कौन से? पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों चमोली जनपद में, तो गढ़वाल मंडल के कितने जनपदों की सीमा लगती है दोस्तों? इसके साथ जो है गढ़वाल मंडल के भी 3 जनपदों की सीमा लगती है। कौन कौन से? चौथे नंबर पे हमारा पौड़ी गढ़वाल। कौन सा दोस्तों? पौड़ी गढ़वाल। फिर 5वें नंबर पे कौन सा हो गया दोस्तों? रुद्रप्रयाग। और 6ठे नंबर पे कौन सा दोस्तों हमारा? उत्तरकाशी। कौन सा है? उत्तरकाशी। तो ये कुल मिलाकर कितने हैं जो हमारा चमोली जनपद है, यानी कि गढ़वाल मंडल का चमोली जनपद, जिसकी जो सीमा कितने के साथ लगती है दोस्तों? 6 जनपदों के साथ लगती है। और कुमाऊं मंडल का कौन सा हो गया दोस्तों? हमारा अल्मोड़ा, जिसकी जो सीमा कितने जनपदों के साथ लगती है? 6 जनपदों के साथ लगती है। अगर हम चमोली की बात करें दोस्तों, तो इसके साथ जो है 3 जनपद जो है कुमाऊं मंडल के लगते हैं और 3 जनपद गढ़वाल मंडल के लगते हैं। वहीं अगर हम अल्मोड़ा की बात करें दोस्तों, तो इसके साथ जो है 4 जनपद जो है कुमाऊं मंडल के लगते हैं और मात्र 2 जनपद जो है गढ़वाल मंडल के लगते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा उत्तरकाशी। अगर हम उत्तरकाशी की बात करें दोस्तों, तो उत्तरकाशी के साथ कितने जनपदों की सीमा लगती है? उत्तरकाशी के साथ सबसे पहले ये हमारे यहाँ पर देहरादून। कौन सा है? देहरादून। और दूसरे नंबर पर कौन सा दोस्तों? टिहरी। और तीसरे नंबर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कौन सा है? रुद्रप्रयाग। और चौथे नंबर की बात करें तो कौन सा है दोस्तों? चमोली। यानी कि अगर हम उत्तरकाशी की बात करें तो कितने जनपदों की उत्तरकाशी के साथ जो है मात्र 4 जनपदों की सीमा लगती है। कौन कौन से? चमोली हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, टिहरी गढ़वाल हो गया और देहरादून हो गया। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों रुद्रप्रयाग की, तो रुद्रप्रयाग के साथ कितने जनपदों की सीमा लगती है? रुद्रप्रयाग के साथ ये हमारा रुद्रप्रयाग, इसके साथ सबसे पहला कौन सा लगता है दोस्तों? ये हमारे यहाँ पर चमोली। कौन सा लगता है? चमोली। और दूसरे नंबर पे कौन सा लगता है दोस्तों? ये पौड़ी गढ़वाल। यहाँ पे थोड़ी सीमा लगी है पौड़ी। और तीसरे नंबर पे कौन सा लगा है दोस्तों? टिहरी गढ़वाल। और चौथे नंबर पे हमारा लगा है उत्तरकाशी। तो कितनी है रुद्रप्रयाग जनपद भी कितने है दोस्तों? इसके जो है 4 जनपदों के साथ जो है सीमाएं लगती है। अब बात करते हैं दोस्तों पौड़ी गढ़वाल के साथ, तो पौड़ी गढ़वाल के साथ कितने जनपदों की सीमा लगती है? पौड़ी गढ़वाल की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले जो है हम कुमाऊं मंडल की बात करते हैं, तो कुमाऊं मंडल के कितने जनपद जो है पौड़ी गढ़वाल के साथ लगते हैं दोस्तों? तो सबसे पहले बात करें तो कौन सा लगता है? अल्मोड़ा। और दूसरा कौन सा लगता है दोस्तों? नैनीताल। वहीं अगर हम बात करें गढ़वाल मंडल की, गढ़वाल मंडल के साथ जो है पौड़ी गढ़वाल के कितने जनपदों की सीमा लगती है दोस्तों? तो कितने लगती है? तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा? चमोली। और चौथा है दोस्तों हमारा रुद्रप्रयाग। और 5वें नंबर की बात करें दोस्तों, तो 5वें नंबर पे कौन सा है? टिहरी गढ़वाल। और 6ठे नंबर पे कौन सा यहाँ पर जो है? देहरादून। और 7वें नंबर पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये कौन सा है? हरिद्वार, यानी कि 7वां हरिद्वार। तो कितने जनपदों के साथ लगती है दोस्तों? अगर हम उत्तराखंड की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो जनपद की सीमा है पौड़ी जनपद की सीमा लगती है। तो इसकी जो है सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, सबसे ज़्यादा सीमा कितने जनपदों के साथ लगती है दोस्तों? 7 जनपदों के साथ लगती है। पौड़ी गढ़वाल एकमात्र ऐसा जनपद है उत्तराखंड का जिसकी सीमा 7 जनपदों के साथ लगती है। और चमोली जनपद की बात करें, इसकी सीमा कितने लगती है दोस्तों? 6 जनपद। और अल्मोड़ा की बात करें दोस्तों, इसकी सीमा भी 6 जनपदों के साथ लगती है। तो पौड़ी गढ़वाल की बात करें दोस्तों, तो कौन कौन से लगते हैं? अगर हम कुमाऊं मंडल की बात करें, तो हमारा अल्मोड़ा लगता है और दूसरा कौन सा? मात्र नैनीताल, यानी कि दो जिले जो है कुमाऊं मंडल के पौड़ी गढ़वाल के साथ लगते हैं। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों गढ़वाल मंडल की, तो कितने लगते हैं? पहला चमोली हो गया, दूसरा रुद्रप्रयाग हो गया, तीसरा टिहरी गढ़वाल हो गया और चौथा हरिद्वार हो गया। पांचवा हमारा कौन सा है दोस्तों? देहरादून। यानी कि गढ़वाल मंडल के 5 जनपद और कुमाऊं मंडल के 2 जनपद जो है पौड़ी गढ़वाल के साथ लगते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों टिहरी गढ़वाल की, टिहरी गढ़वाल के साथ कितने लगते हैं? यह जो है दोस्तों आंतरिक जिला है, यानी कि कुमाऊं मंडल का एक आंतरिक जिला कौन सा है? टिहरी गढ़वाल। और गढ़वाल मंडल का कौन सा है दोस्तों? बागेश्वर और अल्मोड़ा। कुमाऊं मंडल के भी 2 जनपद है और गढ़वाल मंडल के भी 2 जनपद है। अगर टिहरी की बात करें दोस्तों, तो इसकी सीमाएं कितने जनपदों के साथ लगती है? इसकी सीमा सबसे पहले लगती है उत्तरकाशी के साथ, और दूसरे नंबर पर किसके साथ लगती है दोस्तों? रुद्रप्रयाग के साथ। और तीसरे नंबर पर किसके साथ लगती है? पौड़ी गढ़वाल के साथ। और चौथा अगर हम बात करें दोस्तों, तो चौथे नंबर पर जो लगती है देहरादून के साथ। तो कितने के साथ लगती है दोस्तों?
उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल और देहरादून मात्र 4 जनपदों के साथ जो है इसकी सीमाएं लगती है। वहीं अगर हम देहरादून की बात करें दोस्तों, तो देहरादून के कितने जनपदों के साथ सीमा लगती है? पहला उत्तरकाशी, ये जो यहाँ पर सीमा लग रही है देहरादून की किसके साथ लग रही है दोस्तों? उत्तरकाशी के साथ। और दूसरे नंबर पर किसके साथ लग रही है दोस्तों? टिहरी गढ़वाल। और तीसरे नंबर की बात करें दोस्तों, ये हल्का सा हिस्सा जो किसके साथ लग रहा है इसका, यहाँ पर जो ये पौड़ी गढ़वाल के साथ लग रहा है, तीसरे नंबर पर कौन सा है? पौड़ी गढ़वाल। और चौथे नंबर पर कौन सा दोस्तों? चौथा हरिद्वार। जो देहरादून की बात करें तो इसके जो है दोस्तों, इसकी सीमा जो है 4 जनपदों के साथ लगती है। तो अब आता है दोस्तों हमारा जो अंतिम जनपद आता है, कौन सा? हरिद्वार जनपद। अगर हम हरिद्वार जनपद की बात करें दोस्तों, हरिद्वार जनपद की अगर बात करें तो इसकी जो सीमा है कितनों के साथ लगती है? मात्र 2 जनपदों के साथ लगती है। कौन कौन से? पौड़ी गढ़वाल और देहरादून, 2 जनपदों के साथ जो है इसकी सीमाएं लगती है। तो अब आते हैं दोस्तों उत्तराखंड की जो सीमाएं है कौन कौन बनाता है, यानी कि उत्तर में कौन बनाता है, दक्षिण में कौन बनाता है, पश्चिम में कौन बनाता है और पूर्व में कौन बनाता है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों तो उत्तर में इसकी सीमा कौन बनाता है, यहाँ पर जो है हिमालय पर्वत, यानी कि हिमालय जो है इसकी सीमा बनाता है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों तो पूर्व में कौन बनाता है, पूर्व की अगर बात करें इसकी सीमा कौन बनाता है, यहाँ पर जो काली नदी बह रही है जिसे जो है शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है, पूर्व में जो है इसकी कौन बनाता है दोस्तों सीमा? काली नदी। और वहीं अगर हम बात करें दोस्तों उत्तर में जो है इसकी सीमा कौन बनाता है, उत्तर में जो है उत्तर प्रदेश जो है उत्तराखंड की सीमा बनाता है। कौन बनाता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। और वहीं अगर हम बात करें दोस्तों पश्चिम में जो है कौन बनाता है, पश्चिम में जो है इसकी सीमा टोंस नदी बनाती है। कौन बनाती है दोस्तों? टोंस नदी जो है इसकी सीमा बनाती है। तो ये है दोस्तों पश्चिम में टोंस नदी, और उत्तर में कौन सा दोस्तों? उत्तर में हमारा हिमालय पर्वत हो गया। और अगर अगर वहीं हम बात करें दोस्तों पूर्व में कौन सा हो गया दोस्तों? काली नदी। और उत्तर में कौन सा, दक्षिण में कौन सा हो गया दोस्तों? दक्षिण में है उत्तर प्रदेश। ये जो है उत्तराखंड की सीमा बनाते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये सब पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।